बिहार में 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नया साल आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लगातार बिहार में विकास का काम भी हो रहा और नए साल में किस प्रकार से बिहार को बुलंदियों पर ले जाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक नंदकिशोर यादव जी हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, कद्दावर नेता हैं। सर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लिए और क्या क्या काम किया जाएगा आने वाले सालों में। सर, लगातार 16 सालों से आप लोग की सरकार है, बिहार में लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं। आप जब पथ निर्माण मंत्री थे तो बेहतर काम किया गया, पुल का निर्माण किया गया। आने वाले सालों में और क्या कुछ एजेंडा रहेगा, किस प्रकार से बिहार को चमकाने का काम किया जाएगा? देखिए, विकास का काम कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास को मापने का पहला पैमाना ये है कि जब हमने काम प्रारंभ किया उसमें राज्य की स्थिति क्या थी। वहाँ से अगर आप आकलन करेंगे तो आपको दिखेगा कि विगत 16 साल के अंदर बिहार कहाँ से कहाँ चला गया। जैसे मैंने कहा कि विकास को एक दिन की चीज़ नहीं है, लगातार होने वाला काम है। तो जिन कामों को सरकार ने प्रारंभ किया है साल भर पहले, दो साल पहले, वो आने वाले वर्ष में पूरे होंगे। अब जैसे आप महात्मा गांधी सेतु की बात करिए तो एक लाइफलाइन है उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी सेतु, उसकी हालत ख़राब थी। आज उसका पूरा कायाकल्प हो रहा है, 2022 में जनता को समर्पित हो जाएगा। और उतना ही नहीं होगा, उसके पैरेलल एक नया फोर लेन पुल बनने का काम भी प्रारंभ हो गया है। तो गंगा नदी पर जहाँ पहले हम जब सरकार में आए 2005 में, उसमें केवल चार पुल थे, एक बक्सर में जो बलिया को जोड़ता था, दूसरा महात्मा गांधी सेतु, तीसरा मोकामा में राजेंद्र सेतु और चौथा भागलपुर में। और आप कल्पना करिए कि अगले 3 साल के बाद, 4 साल के बाद 16 पुल एक साथ काम करेंगे गंगा नदी पर, तब डेवलपमेंट क्या हुआ ये इसका प्रमाण बनता है। केवल सड़क की बात नहीं, पुल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में। अस्पतालों की क्या स्थिति थी, आज अस्पताल कहाँ से कहाँ चला गया, न पहले डॉक्टर था, न दवाई थी, ना कोई चीज़ वहाँ थी। आज दवाइयाँ फ्री में मिल रही है, डॉक्टर बैठ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हॉस्पिटल का। तो ये जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की है बिहार ने, लेकिन शुरू वहाँ से किया है जहाँ माइनस में थे, माइनस जीरो थे। तो काम तो हो ही रहा है, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेगा विकास। नब्बे के दशक में जंगल राज का हवाला दे के आप लोग सत्ता में आए, जिस प्रकार से आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं सर, पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, लेकिन लगातार आपने बेहतरीन काम भी किया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है जिस प्रकार से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज भी विद्यालय जर्जर स्थिति में, और जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी अपनी नौकरी को लेकर जो हंगामा कर रहे हैं लगातार, उनके साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है विपक्ष, आरोप लगा रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थी। विपक्ष के आरोपों पर हम बहुत ध्यान वहाँ नहीं देते, क्योंकि विपक्ष आरोप केवल लगाने के लिए आरोप लगाता है, सच्चाई से कोसों दूर है। आप जरा विचार करिए ना, 2005 में कितने विश्वविद्यालय थे बिहार के अंदर, आज कितने विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें थे, आज कितने हैं, कितना पॉलिटेक्निक था, कितना आईटीआई था, विचार करिए ना। हमारी सरकार तो हर अनुमंडल में आईटीआई खोल रही है। देखिए, एसटीटी अभ्यर्थी का एसटीटी अभ्यर्थी का भी मामला आप जानते हैं, बार बार शिक्षक की बहाली के मामले में जिस प्रकार कोर्ट ने कई बार अलग प्रकार के निर्णय लिए, मामला तो उसके कारण फंसा है। सरकार की तो मंशा है कि हम सबको नौकरी दें, हमारे पास शिक्षकों के पद खाली हैं, विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, हम शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं, लाखों शिक्षक बहाल होने वाले हैं, शायद 2022 ही उनके लिए अच्छा काल आने वाला है। नहीं, स्वाभाविक रूप से तो पूरी सरकार प्रयास कर रही है इसके लिए। आप कितने प्रकार के नए नए तकनीकी संस्थान खोल के कल्पना करते हैं, आप पूरा हब हो गया पुराना बस, ये जो बस स्टैंड था मीठापुर का, जाके देखिए आप। लेकिन जिनको केवल विरोध करना है, कोई एक मुद्दा पकड़ के विरोध करते चले, उससे नहीं होता है, संपूर्णता में चीज़ों को देखना पड़ता है। मैंने कहा कि डेवलपमेंट कोई एक चीज़ पर विचार करके नहीं हो सकता है, संपूर्णता में अगर वो देखेंगे उनके पास तो बोलने के लिए मुद्दे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से राजनीति की बात कर ली जाए, 2022 में बिहार विधानसभा का चुनाव है यूपी में, और आपके जो घटक दल हैं बिहार में मांझी जी और मुकेश सहनी, दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोग डैमेज करेंगे? देखिए, वहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या निर्णय लिया है पार्टी ने मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मांझी जी से और सहनी से हमारा गठबंधन बिहार में था, किसी और राज्य में नहीं था।
ये तो उत्तर प्रदेश के लोग आकलन करेंगे, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को देखा हूँ, मैं घुमा हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं और फिर से पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार भाजपा की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से नीति आयोग की रिपोर्ट आई, लगातार अगर बात कर ली जाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर नीतीश कुमार हस्ताक्षर अभियान चलाया, कई बार डिमांड किया, आखिर हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद भी आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? आप लोग के साथ थोड़ा अध्ययन करिएगा तो आपको समझ में आएगा, जो मनमोहन जी की सरकार थी उस समय ही सरकार ने निर्णय ले लिया कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये यूपीए सरकार की देन है और केवल जो पहाड़ी राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट उनको ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जहाँ तक नीति आयोग की रिपोर्ट की बात है तो मतभेद है, दो प्रकार के विचार हैं। दोनों सरकारें, बिहार सरकार और भारत सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इसका समाधान खोज रही है। मुझे लगता है कि अनुकूल और बेहतर परिणाम उसके आएंगे। देखिए, हम तो एक ही बात जानते हैं, चूंकि हम विकासशील राज्य हैं, लगातार विकास कर रहे हैं, तो राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे 2022 में, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, ये थे नंदकिशोर यादव जी, जिन्होंने कहा कि लगातार विकास बिहार में विकास किया जा रहा है और आने वाले सालों में बिहार को और चमकाया जाएगा और यूपी में जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना उसमें बीजेपी को जीत मिलेगी। कैमरामैन अजय के साथ रोहित, NBC 24 पटना।